जाके बल लवलेश ते जिते हूँ चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरियाने हूँ प्रिय नारी। कर्क राशि के जो जातक हैं, 2024 में जो आपका भाग्य है वो आपका कितना साथ देने जा रहा है, जो भाग्य के कारक देव हैं वो कहाँ पे विराजमान हैं, साथ ही साथ जो आपका भाग्य है, भाग्य का जो घर है वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, और जो भाग्य के कारक हैं उनकी जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि, उस जगह पे कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। एक दिनेश लाल यादव का गाना है, मुझे याद आ जा रहा है कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ हूँ ना मिल पाई, राह में निकल चला ये राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। ये दिनेश लाल यादव का गाना है जो आपके भाग्य के ऊपर बिल्कुल बैठता है। और कहा जाता है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानम कुतः मनुष्य, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कोई जान नहीं सकता है, यहाँ तक कि देवता भी नहीं जान सकते हैं। हम आप तो कुतः मनुष्य, हम आप तो मनुष्य ठहरे, तो आपका भाग्य कब साथ देगा, आपका भाग्य मजबूत कैसे बनेगा। आप अपने भाग्य को यदि मजबूत बना लेते हैं तो बड़ा सा बड़ा कार्य आप चुटकियां बजाते हुए कर सकते हो, यदि आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो छोटा सा भी कार्य आपको बहुत बड़ा लगेगा। तो आपके भाग्य की कुंडली में जो आपका 2024 का कर्क राशि है उनकी जो कुंडली बन रही है, गुरु महाराज जो आपके भाग्य के कारक बोले जाते हैं वो किस जगह पे विद्यमान है, साथ ही साथ जो उनकी पांचवी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, नौवीं दृष्टि है, वो क्या कहती है आपके लिए, ये सारी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ उपाय बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास उपाय है। तो गुरु महाराज आपके दसवें भाव में कुंडली में बैठे हुए हैं, जो इनका प्रथम हाउस है वहाँ पे शनि महाराज वहाँ के कारक हैं, तो यहाँ पे आपके भाग्य से टकराने वाले हैं शनि। लेकिन आपके कर्म यदि अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज कर्म को प्रेरित करते हैं और धर्म के साथ करते हैं, तो यहाँ पे आपका कर्म मजबूत होने वाला है, गुरु के सानिध्य में होने वाला है। तो जहाँ पे गुरु बैठे हैं वहाँ पे तो प्रकाश होना ही होना है। तो गुरु महाराज की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके धन के भाव पे पड़ रही है, धन के भाव के जो कारक हैं वो गुरु महाराज स्वयं हैं, और वहाँ पे चंद्रमा बैठा है। तो 2024 में आपको धन की कमी होने वाली नहीं है, धन के मामले में आपका भाग्य 100% आपके साथ में है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जो आपके धन को बार बार अप डाउन कर रहे थे, जो आपकी आर्थिक स्थिति बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा गुरु के ये मित्री राशि में आते हैं, गुरु के मित्र कहे जाते हैं, और जो वहाँ के कारक हैं धन के भाव में वो भी गुरु हैं। तो गुरु धन के भाव में बैठे हुए कारक हैं और वहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, और गुरु की जो पांचवी दृष्टि पड़ रही है वो भी आपके लिए प्रिय है, तो यहां से आपको धन लाभ होने वाला है, जो आपका रुका हुआ पैसा है वो भी प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो इनकी सातवीं दृष्टि है वहां पे कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है गुरु महाराज की, और जो इनका नौवां दृष्टि पड़ रहा है वो आपके पंचम भाव में पड़ रहा है, पंचम भाव के भी कारक गुरु महाराज हैं। पंचम जो भाव होता है कुंडली का, सिंह राशि का, वहाँ के जो कारक हैं वो गुरु महाराज हैं, स्वामी सूर्य हैं, और वहाँ पे विराजमान है शुक्र और बुध। तो जो वहाँ पे शुक्र और बुध विराजमान है, तो वैसे आपके ऐसो आराम की जो चीज़ है उसमें झड़ी लगने वाली है, आपके सुख का दिन आ गया है। मोदी जी ने आपको जो बोला था कि मैं वादा करता हूं कि आपके अच्छे दिन आएंगे, और मैं आपको बोलता हूं कि आपकी कुंडली बोल रही है कि 2024 में आपके अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि आपका भाग्य उदय होना शुरू हो गया है, आपका भाग्य आपके साथ है। अब आप जो भी कार्य करोगे आपको सफलता मिलना निश्चित है। साथ ही साथ जो आपका भाग्य का घर है वहाँ पर राहु विराजमान है, ये थोड़ा सा टेंशन की बात है। कारण ये है कि राहु चाहे तो आपको राजा बना दे, और राहु चाहे तो आपको भिखारी बना दे, रंक बना दे। राहु जब अपनी चाल चलता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, ये सर्प की तरह इसकी चाल होती है, ये सीधी चलेगा ही नहीं, कभी आपको लालच में फंसाएगा, कभी आपको मुंह में फंसाएगा, इसका काम ही फंसाना है।
और ये धर्म के भाव में बैठा है। जो धर्म भी करोगे वहाँ पे भी आपको लालच देगा कि आप ये धर्म करो तो आपको ये मिलेगा, ये धर्म करो तो आपको ये मिलेगा। तो राहु आपको परेशान करने जा रहा है क्योंकि ये शत्रु राशि में है, बाकी आपका भाग्य आपका भरपूर सहयोग देने जा रहा है। तो आप गुरु को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? गुरु को मजबूत करने के लिए आप हर दिन पीला चंदन और खासकर गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनना शुरू करिए। इससे आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे। और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करिए, इससे भी आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप श्री हरि मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे। और यदि आप पीली वस्तुओं का दान करते हो, जैसे तांबा हुआ, स्वर्ण हुआ, यदि आपकी क्षमता है जितना यदि आप दान करते हो, पीला वस्तु का दान करते हो, पीला आभूषण दान करते हो, तो भी आपके जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोतम का पाठ करते हैं तो भी गुरु मजबूत हो जाएंगे। इतने सारे मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सब उपाय करिए। जो आपके सामर्थ्य में हो, जिसे करने में आप सक्षम हो, आप वही उपाय करिएगा। बड़ों का यदि आप आदर करोगे तो भी आपके जो गुरु हैं वो मजबूत हो जाएंगे। यदि आपको और भी कुछ जानना है तो आप कुंडली में हमें अपना नाम और अपना जन्म तारीख लिखना ना भूलिएगा। यदि आपकी कुंडली नहीं है तो आप हमें अपना नाम और अपना जो समय है, जिस जगह से आप हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ से हो आप, वहाँ का कंट्री का, उस स्टेट का, उस जिला का आप नाम लिखिए। और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें और जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम पा सकें और कोई भी स्त्री आपके साथ आके सहजता से बात कर सके, सहज महसूस करे, ऐसा आप अपने व्यक्तित्व को निर्माण करिए। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।